अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शारिक अलीम फ्रॉम हेड्रॉन सोलर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है थिन फिल्म सोलर मॉड्यूल्स। तो थिन फिल्म का इंट्रोडक्शन ये है कि काफी क्लाइंट्स हमसे इस पे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, क्या हम इसको कन्वेंशनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन नटशेल इन सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो थिन फिल्म क्या कोई नई टेक्नोलॉजी है? इसका जवाब जी नहीं, थिन फिल्म कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। थिन फिल्म जो सोलर पैनल इनिशिएट हुए थे अपनी बिगनिंग्स में, तो एमॉर्फस सिलिकॉन के सोलर पैनल बनते थे उस टाइम पे। तो थिन फिल्म बेसिकली एमॉर्फस सिलिकॉन सोलर पैनल, क्या इसकी एफिशिएंसी कन्वेंशनल से बेहतर है? नहीं, इसकी एफिशिएंसी कन्वेंशनल से कम है। इस पर जो कन्वेंशनल सोलर मॉड्यूल्स हैं वो 22-23% एफिशिएंट है। एफिशिएंसी से मतलब ये है कि जो सनलाइट उसके ऊपर फॉल करती है वो कितने परसेंट जो है वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, एनर्जी के अंदर। तो ये होती है सोलर पैनल की एफिशिएंसी। तो थिन फिल्म का जो इस वक्त बेस्ट एफिशिएंट मॉड्यूल जो है इस वक्त, वो भी 11-14% एफिशिएंट है। तो ये कन्वेंशनल को रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा, क्या हम थिन फिल्म्स को कन्वेंशनल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, थिन फिल्म को हम वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे हम कन्वेंशनल को नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल, कोई कर्व सरफेस है, कोई वॉल है, कोई ऐसी जगह है जहां पे कन्वेंशनल सोलर मॉड्यूल जो कि फ्रेम वाले होते हैं उनकी माउंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हम इनकी थिन फिल्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो वॉल जो कि कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, तो वो ऑल्दो थिन फिल्म की एफिशिएंसी वैसे ही कम है, लेकिन चूंकि उस वॉल पे आप कन्वेंशनल नहीं लगा सकते, तो हम इसका थिन फिल्म के जरिए उसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। अच्छा, और एक सवाल ये कि इसके एडवांटेज, जिस तरह थिन फिल्म के एडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। चूंकि इसके ऊपर कोई ग्लास की फ्रेमिंग, कोई कोटिंग कुछ नहीं होता, तो इसकी लाइफ कम होती है, इसका रेन एक्सपोजर भी होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोलर मॉड्यूल्स। सो इन अ नटशेल, थिन फिल्म उस जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहां पे कन्वेंशनल नहीं हो सकते। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कन्वेंशनल से कम होती है, और इसके जो एडवांटेजेस के साथ से जो डिसएडवांटेजेस भी यही है कि इसकी लाइफ भी कन्वेंशनल मॉड्यूल से कम होती है। थैंक यू सो मच।